सभी को राम राम। युविका मशरूम पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से जो हम बात करेंगे, एसी मशरूम फार्म जो होते हैं हमारे, उनकी कॉस्टिंग के बारे में करेंगे। जैसा आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये एक हमने एसी प्लांट का स्केच ड्रॉ करा हुआ है। इसके अंदर आपके 18x40 के तीन ग्रोइंग रूम है, 60x40 का एक प्री वेटिंग एरिया है कंपोस्ट बनाने के लिए, दो हमारे बंकर और टनल बने हुए हैं। दोस्तों हमारा जो कॉस्ट एनालिसिस जो एसी मशरूम फार्म का होता है, उसमें हम जो हमारी कॉस्ट होती है उसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका सारा कुछ बिल्डिंग और जो जमीन है ये सारा कुछ आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर। जमीन जितनी भी आपके बिल्डिंग बनाने में जो खर्चा हुआ है ये सब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। दूसरे में दोस्तों हम प्लांट एंड मशीनरी आता है, दूसरा जो हमारा मेजर हिस्सा है इन्वेस्टमेंट का। प्लांट एंड मशीनरी में आपका जितनी भी एसी सिस्टम, ब्लोअर, डीजी सेट आदि जितने भी ये हमारे इक्विपमेंट जो भी मशरूम फार्मिंग में यूज होते हैं वो सब हमारे प्लांट एंड मशीनरी में आते हैं। तीसरी जो दोस्तों हमारा मेजर है वो है रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट दोस्तों ये है कि आपका एक बार ये सारा कुछ सेटअप बनने के बाद उसके अंदर उसको पहली बार चलाने के लिए, एक साइकिल चलाने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अभी इसी में हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको लगभग 4000 स्क्वायर फुट एरिया जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है तीन रूम सेटअप के लिए। और 4000 स्क्वायर फीट एरिया के लैंड डेवलपमेंट में जैसे कि फिलिंग है और वायर फेंसिंग है, इन सब के करीब करीब में आपका जो है लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब खर्चा जो है उसके अंदर आ जाता है। दोस्तों इसके अंदर इस 1.5 लाख में आपका लैंड डेवलपमेंट है बेसिकली, ये कि इसमें आपका चारों तरफ से फेंसिंग हो गई है, जमीन का जो है लेवल हो गया है। 1-2 फीट अगर आपको मिट्टी डलवानी है, जहाँ ग्रोइंग रूम है वो हमेशा ऊंची जगह पे होते हैं, तो इन सब में अप्रोक्स 1.5 लाख का खर्चा जो है आपका आ जाता है। दोस्तों आगे हम जो बात करते हैं वो करेंगे इसमें। दोस्तों अगर आपका प्लॉट अपना है तो उसकी कॉस्ट नहीं है, अगर आप प्लॉट खरीदोगे तो वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो है उसका भी पैसा जोड़ेगा। मैं आपको ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसमें आप अपना एक मशरूम स्टार्टअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम प्लांट एंड मशीनरी पे बात करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे मेजर जो खर्चा होता है वो ग्रोइंग रूम बनाने का होता है। दोस्तों ग्रोइंग रूम जो हमारे हैं, एक ग्रोइंग रूम में जो हमारा ये साइज है ये 18x40 है इंटू 16 है, स्लोप के साथ ये एक साइड जो है 14 तक रह जाएगा। इस रूम को बनाने में आज के टाइम में लगभग लगभग आपका एक जो जितनी भी रैक वगैरह हैं इन सबको इंक्लूड करके आपका एक रूम लगभग 9 लाख रुपए एक रूम की कॉस्ट करती है। इसमें आपके रैक वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होता है, रैक में एक्सेप्ट जो है एसी सिस्टम। रैक बनाने में लगभग 2.5 से 3 टन जो है लोहे का इस्तेमाल एक इसके अंदर हो जाता है ग्रोइंग रूम के अंदर बनाने में, 2.5 से 3 टन आयरन एंगल जो है आपको चाहिए। इस तरह से दोस्तों इसके हमारे जो तीन रूम हैं उनकी जो कॉस्ट हो जाती है
वो 27 लाख रुपए हो जाती है 3 रूम बनाने की। इनके अंदर दोस्तों जो एसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वो एक रूम के अंदर 10 टन यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से एसी यूनिट का भी जो खर्चा बैठता है वो लगभग लगभग आपका तीनों रूम में 8 से 9 लाख रुपए के करीब एसी यूनिट का खर्चा बैठता है। 9 लाख रुपए हमने अपने एसी यूनिट के लिए जोड़ दिए हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें खर्चा बचता है प्लम्बिंग और वायरिंग वगैरह का काम ग्रोइंग रूम में होता है, पूरे प्लॉट के अंदर ही आपका होता है। तो प्लम्बिंग में और वायरिंग जो हमारा होता है इसके अंदर हमारा लगभग लगभग जो है 50,000 रुपये का जो है खर्चा इसके अंदर आ जाता है, प्लम्बिंग और जो अंदर की वायरिंग है। अब दोस्तों बात आती है आपकी यूटिलिटी पर। यूटिलिटी में आपको जो है एक डीजी सेट की जरूरत पड़ती है। डीजी सेट अगर आपके पास ट्रैक्टर अवेलेबल है तो आप अल्टरनेटर माउंटेड भी बनवा सकते हैं, अदरवाइज आपको इतने बड़े सेटअप के लिए 30 से 40 किलोवाट के डीजी सेट की जरूरत पड़ती है और उसकी कॉस्ट लगभग 2 लाख रुपए के करीब आपका जो है डीजी सेट जो है कॉस्ट करता है। अब दोस्तों ये सारे खर्चे होने के बाद, ये तो है बिल्कुल जो असेंशियल है, इनमें एक खर्चा असेंशियल और है वो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, इलेक्ट्रिक कनेक्शन का। इसके लिए दोस्तों आपको 20 किलोवाट के इलेक्ट्रिक कनेक्शन की जरूरत है इस लोड के लिए। और 20 किलोवाट का कनेक्शन वैसे तो अगर देखा जाए तो जो प्राइस है वो उसका 60-65 हज़ार रुपये है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका मेन लाइन से कितनी दूर प्लॉट है, तो उसमें कंडक्टर चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं। जो मिनिमम से मिनिमम आपका कनेक्शन जो है 20 किलोवाट का 1.5 लाख रुपए के करीब कॉस्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में कॉस्ट इंक्लूड करने के बाद दोस्तों आपका बचता है इन सब के लिए एक यूटिलिटी रूम। यूटिलिटी रूम जो है और ऑफिस ब्लॉक जो आपका है ये लगभग 2 लाख रुपए के करीब इनका खर्चा बैठ जाता है। यूटिलिटी रूम जहाँ पर आपका डीजी सेट और ऑफिस है इन सब में 2 लाख रुपए का खर्चा आपका बैठ जाता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा कंपोस्टिंग यार्ड है, इस पूरे कंपोस्टिंग यार्ड को बनाने में जैसे हमारा ये 60-40 का प्रीवेटिंग एरिया है, इसमें सीमेंटेड फ्लोर चाहिए, इसकी कॉस्ट लगभग लगभग 1 लाख रुपए के करीब हो जाती है। और जो आपके टनल और बंकर हैं इनकी मैं आपको एक एवरेज कॉस्ट बता देता हूँ, ये पूरा जो सेटअप है आपका कंपोस्टिंग यार्ड ये 20 से 21 लाख रुपए के करीब में पड़ जाता है। अगर मैं इसके अंदर 20 लाख रुपए सीधे सीधे कंपोस्ट यूनिट के जोड़ देता हूं तो दोस्तों ये जो कंपोस्टिंग यार्ड है ये होना बहुत जरूरी है। आप अगर खरीद करके चलाओगे तो आपका जो मार्जिन है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। उसके बाद 1 से 1.5 लाख रुपए में दोस्तों आपका ये आरएम स्टोरेज का, एक जो रॉ मेटेरियल स्टोरेज के लिए एक शेड चाहिए जिसमें आप अपना भूसा, जितने भी फर्टिलाइजर या चिकन मैन्यूर वगैरह हैं वो स्टोर करने के लिए चाहिए, तो लगभग 1 लाख रुपए के खर्चा जो है इसके अंदर आ जाता है। तो दोस्तों अगर हम मैं इस सब को जोड़ता हूँ तो ये जो खर्चा आपका बैठता है दोस्तों ये आपका 63 लाख का खर्चा टोटल जो है हो रहा है। 63 लाख का खर्चा आपको पूरा जो खर्चा 63 लाख है इसमें आपका प्लांट जो है बनकर के तैयार है। दोस्तों इस 63 लाख के खर्चे के बाद आपकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बचती है। रनिंग कॉस्ट आपको इन 3 रूम को एक बार चलाने के लिए कम से कम जो है 4-5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, लेबर और कंपोस्ट मटेरियल वगैरह सारा कुछ खरीदने के बाद। मैं आपका अगर लेबर खुद की भी है और मटेरियल खुद का भी अवेलेबल है तो अगर मैं 2 लाख भी इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ
सारा कुछ जोड़ करके, तो भी आपका ये एक जो रूम है मत एक जो प्लांट है ये आपका 65 लाख रुपए के करीब कॉस्ट करता है। अगर इसमें आप जो जो एरिया नहीं बनाते हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उनका खर्चा कम कर सकते हैं। अगर आप पुराना पैनल या मशीनरी यूज करते हैं तो आपका कुछ खर्चा वहाँ पर भी बच जाएगा। अगर आपको अलग अलग ब्रेकअप जानना है ग्रोइंग रूम का क्या खर्चा बनेगा या कंपोस्टिंग यार्ड में क्या खर्चा आएगा, तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप सब लोगों की डिमांड होगी तो। ये जो हमारा दोस्तों 65 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद अब सवाल उठता है कि इसमें निकलेगा कितना। तो दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी है वो अगर मैं 4 साइकिल पर रूम भी लेता हूँ तो हमारे इन जो बैग की कैपेसिटी है इनके अंदर 1500 से 1800 तक बैग इनके अंदर आ जाते हैं। अगर मैं 1600 जो बैग है एवरेज मानता हूँ अपने इसमें और उसके अंदर 20% प्रोडक्शन अगर निकालता हूँ तो एक रूम में एक साइकिल में 3200 किलो हमारा जो है मशरूम निकलता है, मतलब 3.2 टन। मैं 3 टन की एवरेज मान लेता हूँ तो एक रूम जो हमारा अगर साल में 4 साइकिल देता है, वैसे तो 5 साइकिल भी कुछ लोग ले लेते हैं, तो 4 साइकिल के हिसाब से हमारा 12 टन एक रूम का हो गया और 3 रूम अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो है हमारा 36 टन के जो है पर एनम कैपेसिटी का जो ये मशरूम प्लांट है वो है 36 टन मशरूम जो है आपकी। अगर आप कॉस्ट करोगे एक साल में 36 टन का, अगर आप एवरेज 100 रुपये किलो का भी रेट लें, पर कई बार पिछली बार देखा गया था कि रेट जो है काफ़ी डाउन हो गया था, तो आपका लगभग लगभग ये जो है आपकी 36 लाख रुपए के करीब की एक साल में मशरूम इसके अंदर निकल जाएगी और 2 से 3 साल में आप अपने जो सारे खर्चे हैं उनको एटलीस्ट 60-70% तक कवर कर सकते हैं। आप इसके हिसाब से देख भी सकते हैं कि मशरूम जो है प्रॉफिटेबल है या नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक दी गई जानकारी पूरी तरह समझ आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मशरूम से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।